हेलो गाइस, मेरा नाम है शशांक बेलवाल और ये है पार्ट थ्री हमारे खाटू श्याम वृंदावन ट्रिप का। और अब जो है पार्ट थ्री में हम निकल रहे हैं वृंदावन से और निकल के अपने दिल्ली की तरफ जा रहे हैं वापस। और अभी जो हो रहे हैं तो दोपहर के 2 बज रहे हैं, आज सुबह ही हैं हम जो निकले हैं। जैसे कि आपने पार्ट टू में देखा होगा कि हम निकले हैं खाटू श्याम जी से और गाड़ी प्रॉपर 350 किलोमीटर के करीब हमने चलाई और उसके बाद अब हम कम से कम 200 किलोमीटर से ज़्यादा का ये रन अब रहेगा आज में ही, जो कि हम दिल्ली अपने घर जाएंगे। तो गाइस, इसी का पूरा ट्रिप का आज एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा और पार्ट वन पार्ट टू देखते रहिए क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने सब आपको पूरा रास्ता और ये सब चीज़ें बताई हैं कि कौन सा रास्ता हम और क्या क्या टोल्स पड़ रहे हैं। बाकी हमारे दर्शन जो थे काफ़ी अच्छे हुए खाटू श्याम जी के और वृंदावन के। वृंदावन में हमने दोनों मंदिर घूमे, बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी, जो कि बहुत मेन है। तो उसके बाद अब हमें आज रात रुकना नहीं था इसलिए फिर अब हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। तो भरी दोपहर ही है और देखते हैं कितना टाइम में जाके लगते हैं। 4-5 घंटे का मुझे लग रहा है जहाँ तक पहुँच जाएंगे और ज़्यादा देर का रास्ता तो नहीं है। दिल्ली जो है वो 170 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर हमारा घर जो लगेगा। तो इस हिसाब से मैं एक लमसम अमाउंट जो एक आइडिया लेकर चल रहा हूँ 200 किलोमीटर के करीब है। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे और निकलते हैं हाईवे पे, नॉन स्टॉप रहेगा, खा पी के हम बिल्कुल रेडी हैं। तो गाइस फाइनली जो है अब हम हाईवे पे लग गए हैं और रास्ता क्लियर करते हुए जा रहे हैं। हाईवे पे ज़्यादा जाम नहीं मिल रहा है, मौसम बिल्कुल साफ है, 2:30 बज रहे हैं और कहीं भी रुकना नहीं है, एक कॉन्स्टेंट स्पीड लेके चल रहे हैं। गाड़ी कुल जो खाटू श्याम जी से मैंने चला दी है वो चला दी है 350 से प्लस और मैंने जीरो नहीं किया मीटर अभी तक, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज की जो रनिंग है टोटल वो पता चल जाएगी कि और मेरी भी एक कैपेसिटी है कि मैं आज पूरे दिन में कितनी गाड़ी चला सकता हूँ। एक दिन में लगातार तो नहीं कहेंगे लेकिन ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लेके 3-4 घंटे ही हम जो है वृंदावन में रुके और जिसमें सारे दर्शन हमने करें। बाकी अपना धीरे धीरे निकल रहे हैं रास्ता क्लियर आउट करते हुए। बस इस तरीके से साफ मिले, जाम ना मिले और बारिश ना मिले तो आराम से बिना थके हम पहुंच जाएंगे। बाकी वीडियो में गाइस बने रहिए, तब तक ये छोटा सा टाइम लैप्स आपके सामने। फाइनली जो है अब दिल्ली में एंट्री ले लिए हमने, सारे टोल्स जो हैं अब ख़त्म भी हो गए, टोल्स कटवा लिए हैं और थोड़ा सा अब ये जो हम फरीदाबाद से निकल के जो अब रास्ता है अपोलो के सामने वाला, ये जो है थोड़ा सा अब ट्रैफिक रहेगा यहाँ पे और इसी की वजह से जो है अब डिले चल रहा है। हालांकि जो घर है हमारा वो 20-25 किलोमीटर करीब रह गया है और डिस्टेंस अभी भी 1-1.5 घंटा दिखा रहा है। बाकी देखो क्या लगता है कितनी देर में पहुँचते हैं जाके। बाकी हाँ आज जो है एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। अरे भाई हरी लाइट है, जाने नहीं दे रहे, गलत काट ली, इन लोगों को साइड में मुड़ना है। और तो गाइस वहां से निकल गए अभी हम, रेड लाइट थोड़ी सी खराब, मतलब गलत पोजीशन में मैंने गाड़ी लगा दी थी। तो गाइज़ अभी जो टोटल किलोमीटर्स हमने कवर करे हैं वो कम से कम कर लिए हैं 160 किलोमीटर करीब और हमने काफ़ी जल्दी ये कवर करे क्योंकि हाईवे पे जाम नहीं था और हाईवे पूरा खाली चल रहा था। टोल्स पे भी इनफैक्ट हमें ज़्यादा जाम नहीं मिला, बाकी जो जाम मिल रहा है वो अपने एरिया में ही आगे मिल रहा है दिल्ली में। सारा सुबह से मतलब 500 किलोमीटर करीब आज गाड़ी चल गई है सुबह से और मतलब हमने काफ़ी स्टेट्स पार करी हैं। अब पहले थे राजस्थान में, फिर यूपी, फिर दिल्ली, हरियाणा, सब कवर करके अब यहाँ आए हैं। तो 4 स्टेट में अब एंट्री कर ली और टोल्स सारे कटे, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। और अगर मैं कुल बताऊं, अगर बात की घर से निकल के अभी तक हमें प्रॉपर 850 किलोमीटर हो गए हैं चलते चलते, तो काफ़ी रन है 2 दिन के हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा। बाकी अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है और हो सकता है मैं आगे जाके कहीं सीएनजी भी डलवाऊं दिल्ली के अंदर, क्योंकि 2 बार्स हैं अभी सीएनजी के।
वीडियो में गाइस बने रहे। फाइनली घर के वहां हम पहुंच गए, 4-5 किलोमीटर जो है घर अब अपना रह गया है यहाँ पे। और अब आप मेरी आवाज से भी सुनकर फील कर रहा हूँ कि मैं तो काफी थक सा गया हूँ, क्योंकि गाइस गाड़ी पूरी 500 किलोमीटर प्लस चली है एक दिन में। और हालांकि हमारी कार नहीं थकी, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा थोड़ा थका हुआ फील कर रहा हूँ। लेकिन स्टिल एक जो अपने अंदर एक वो होती है पैशन है भाई ड्राइविंग करना, तो वो कभी मरेगा नहीं और कभी ख़त्म नहीं होगा। अभी ऐसी कोई वो नहीं है, हीक नहीं आ रही अभी भी, कोई अगर इमरजेंसी है तो गाड़ी चला लेंगे। अभी कोई ऐसी वो नहीं आ रही कि नहीं चलानी, अब नहीं चलाई जाएगी। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, सब कुछ बहुत अच्छे से हुए, सारे दर्शन सब कुछ, रहना खाना पीना, रास्ते में जितना एक्सपीरियंस हमें मिला, नई चीज़ खाई और ट्रैवल में इतना कुछ नया नया देखा। राजस्थान काफ़ी डीप एक्सप्लोर किया अब क्या अगर मैं बताऊं तो। ओवरऑल गाइस बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और ये जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है इसमें काफ़ी, मतलब मैं बताऊंगा, मैंने काफ़ी मिनिमल बजट में अपना ये काफ़ी अच्छा ट्रैवल किया, क्योंकि फ्यूल में जो है हमारा काफ़ी पैसा बच गया। अगर मैं अपनी आइडेंटिटी लेके आता तो काफ़ी फ्यूल में जो है एक 80% पार्ट मेरा जो भी पूरे ट्रिप का है वो फ्यूल में लग जाता। वैगनार लाने से मेरा फ्यूल काफ़ी बचा, और जो रहना था खाटू श्याम जी में वो भी काफ़ी सही और मिनिमल प्राइस में हो गया। बाकी वृंदावन में तो हम खैर रहे ही नहीं, लेकिन वृंदावन में हम काफ़ी अच्छे से हमने दर्शन करे VVIP वाले, जैसे कि आपने राधा वल्लभ लाल जी में देखा ही होगा कि मैं पूरा अंदर बैठा हुआ था। बाकी गाइज वीडियो अब मैं यहाँ पर एंड करता हूँ अपने पार्ट 3 को। पार्ट 3 काफ़ी छोटा बना होगा क्योंकि मैंने ज़्यादा खैर वीडियो बनाई नहीं, लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है मेरी और इस तरीके की ट्रैवलिंग पार्ट में बनाता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और अच्छी ट्रैवलिंग करेंगे और कहीं नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।